यह क्या वजह है जो डॉक्टर ऋतु के लिए 131 सांसदों में से किसी की चोंच नहीं चली? क्या उनके चोंच में गोंद लगा दी थी या दही जम गया था? तो क्या उनको अधिकार नहीं दिए गए? जब तुम्हारे लोग को इतने अधिकार दिए हैं और हम में ये हिम्मत है, हम कर रहे हैं ना काम, हम भी मानते हैं भाई, हम भी इंसानियत के नाते हैं ना, हम तो इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या किससे कहानियां लिख के किस तरीके से गुमराह कराया, जातियों को आपस में लड़ाया है? साथियों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जब कभी वो अपने गांव देहातों से घर से निकलता है तो रास्ते में कुछ ऐसे घर आते हैं जिन घर के सामने आकर वो थोड़ा सा ठिठर जाता है। क्यों ठिठर जाता है उस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उस घर के बाहर आकर ठिठरते ही वो अपने पैर के जूते निकालता है, अपने सिर पर रख लेता है और सिर पर रख कर उन घरों के आगे से वो निकल जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में भी इस भारत देश के अंदर ऐसे घर हैं जहां पर एक हाथी जैसा समाज अपने जूते उतारता है, सिर पर रखता है और बाबू साहब कहता हुआ उस घर के आगे से निकल जाता है। बहुत सी जगह पर तो ऐसा है कि उस जूते में पानी भरकर पिलाया जाता है, वो पानी पीता है बेबस बेचारा। उससे भी ज़्यादा कि अगर दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ना है तो दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतरकर इतना पीटा जाता है कि तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि हमारे घर के सामने से तू घोड़ी पर बैठकर चल रहा है। अरे घोड़ी तो छोड़िए जनाब, अगर दूल्हा पैदल भी जा रहा है और गलती से ढोल नगाड़े बज गए तब भी उसकी जूतों से पिटाई होती है। आज डॉक्टर रितु के प्रदर्शन में पहुँचा हूँ। डॉक्टर रितु को प्रोटेस्ट करने के लिए जो डीजे पर ढोल बजता है वो पीटता है, जो घोड़ी पर बैठने पर आपको पीटता है, जो अपने घर के आगे से अगर आपने जूते सिर पर नहीं रखे तो आपको पीटता है, ऐसा ठाकुर समाज का व्यक्ति ऋतु को समर्थन देने आया है। क्या उसकी राजनीतिक लालसा है? क्या वो फेमस होना चाहता है या वाकई में उसके दिल दिमाग में ऐसा कुछ है कि वो इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ना चाहता है? सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो शख्स इस समय खड़े हैं वो ठाकुर साहब हैं, बाबू साहब हैं, जिनके घर के आगे से, जिनके घर के दादा परदादाओं के आगे से कभी हमारे घर के दादा परदादा जूते चप्पल पहनकर नहीं निकलते थे। इनके कुओं से पानी पीना तो दूर की बात है, जहाँ पर ये कपड़े धोते होंगे कभी और पानी बहकर नाली में चला जाता होगा उस पानी को हमारे पुरखे पीते होंगे तब भी उनकी पिटाई होती होगी। ऐसा एक ठाकुर समाज का व्यक्ति एक चमार युवती के लिए दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुँचा है तो बड़ा दिल है, बड़ा कलेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज जो बहुत बड़ा वर्ग है, करणी सेना जो बहुत बड़ी सेना है देश में, उससे पिटने का भी डर होगा। परिचय जानते हैं और जानते हैं चमारों के बीच में ठाकुर क्यों घुसा आके? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नरेंद्र नंदा भाई राजपूत है जी। राजपूत? हाँ बिल्कुल, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं लगता करनी सेना से, ठाकुर समाज से आपको पीटने की पकड़ के? कौन से किस चीज की करनी सेना भाई, काय का डर? ये लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चलता है, कोई गुंडों से चलता है क्या? क्या अपना को सब गुंडे बना लेंगे, अपने अपने वो बना लेंगे गैंग? एक पिक्चर रिलीज होती है करोड़ों रुपए का। देखिए वो व्यापार हो सकता है, किसी का अपना व्यापार हो सकता है, व्यापारी कारणों के कारण ये ऐसे आंदोलन चलाते हो, कुछ भी करते हो, मगर राष्ट्र चलता है संविधान से, समझे ना, रामायण से ना कुरान से देश चलता है, संविधान से। संविधान से की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए, फालतू इन जाति पाति इनसे उठ के हमें एक बात करनी चाहिए। अब रही बात, आपने बहुत बड़ी बड़े सवालों की बात करी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें आरक्षित सीटें दी लोगों को कि जाइए लोकसभा में, जाइए विधानसभा पे, जाइए सुरक्षित सीटें दी। तो कम से कम जो जैसे कहा आपने घोड़ी पे चढ़ने पे या मूछे रखने पे, ये सब तो जो विधानसभा हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा हैं, लोकसभा हैं, पूरे देश में लोकसभा से जीत के आते हैं 131 सांसद, ऐसी कोटे से आते हैं, यह क्या वजह है जो डॉक्टर ऋतु के लिए 131 सांसदों में से किसी की चोंच नहीं चली? क्या उनके चोंच में गोंद लगा दी थी या दही जम गया था? तो क्या उनको अधिकार नहीं दिए गए? जब तुम्हारे लोग को इतने अधिकार दिए हैं और हम में ये हिम्मत है, हम कर रहे हैं ना काम,
हम भी मानते हैं भाई, हम भी इंसानियत के नाते हैं ना, हम तो इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या किससे कहानियाँ लिख के किस तरीके से गुमराह कराया, जातियों को आपस में लड़ाया है, आज ब्राह्मणों की किताब को गलत बोल रहे हैं, रामचरितमानस को, महाभारत को, रामायण को गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बता है गलत, बताओ ना रामचरित राष्ट्रद्रोह लग जाएगा भाई, राष्ट्रद्रोह छोड़ो ना, राष्ट्रद्रोह तो है हम, राजद्रोह है हम, राजद्रोही, राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही नहीं है, राजद्रोही है राज। अरे भाई राजद्रोही है, राजद्रोही का मतलब क्या है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना। कानून बन गया है, राज के खिलाफ बोलोगे तो जाओ भाई, राज के तो कानून बन गया तो तैयार है ना, मारे गोली, मार दे गोली, यानी सब शासन सुरक्षा पुलिस थेना सब कुछ उनके पास है, मरवा दे गोली, हम तो क्रांतिकारी हैं, हैं? 150 साल अरे वो होंगे हिजड़े नपुंसक होंगे, चूड़िया पहन के जाए अपने लुगाइयों घांगरे में घुस जाए भूतनी के, हम क्रांतिकारी लोग भूतनी के, हाँ भूतनी के, भूत प्रेतों में विश्वास रखने वाले भूतनी के हैं वो, भय भूख भ्रष्टाचार फैलाने वाले भूतनी के हैं, ये हैं भूतनी के। कहना क्या चाहते हो भाई, हाँ। भारत देश में रहते हो और भारतवासियों का आप विरोध कर रहे हो, कौन भारतवासी तो हम है भाई, भारतवासी हैं हम कोई कहीं से क्या लंगड़ बंगे दिखाई दे रहे, अरे वो राम के वंशज, कृष्ण के वंशज, कौन से राम कृष्ण के वंशज, किसके वंशज भाई, इंसान का वंशज है हर आदमी है, है हड़प्पा से पहले कौन सी संस्कृति थी बताओ जरा, कौन से राम कृष्ण घूम रहे थे बताओ मुझे, हड़प्पा से पहले नंगप्पा संस्कृति थी, नंगे घूमते थे नंगे पुंगे लोग समझे, तब भी तो लोग आ रहे थे, पुष्पक विमान में रावण घूमता था, कौन सा पुष्पक, मैं तो आप बुला लो पुष्पक, तो कौन सा विमान है भूतनी का, आ जाए उतार के दिखा दे बताओ, यहाँ किसी को बुलाए रामचंद्र श्राप दे देंगे, अरे करवाओ ना सुहा, कौन सा बताओ मेरे, चार श्राप, अरे कोई बुलाओ तो सही, द्रोणाचार्य कौन सा मेरे को सुहा कर देगा, विश्वकर्मा सुहा कर देगा तुम्हें, अरे बुलाओ तो सही उसको, अरे बुलाओ यार कोई नहीं, संगठन क्या करेगा, राम आता नहीं है, ये संगठन वाले कौन है, संगठन वाले तो गुंडे हैं, बदमाश है जो उसके नाम पे लूट रहे हैं लोगों को, ये आतंकवाद भाई, आतंकवादी देश, और भाई लगता तो तू ही आतंकवादी देशद्रोही सा, शाम के टाइम ऐसी बातें पूछ रहा तू, ढंग की बात पूछ, है एनएसए लगेगी, काय के एनएसए लगेगी, काय के एनएसए, आतंकवाद का मुकदमा हम पे लगाएंगे, अरे क्रांतिकारी देशभक्तों से ये हमें देंगे, ये तमके देंगे, हमें बताएंगे हम राजद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं, अबे आतंकवादी देशद्रोही तुम हो, लुटे रहे हो देश के सारे सरकार से संतान बेच दिए तुमने, समझे ना, सारे देश की सब चीज संपदा बेच दी, बैंकें बेच दी तुमने, रेल बेच दी, प्लेन बेच दिया, हैं काय के लिए, ये घाटे घाटे में लाया कौन भूतनी का, इनको उठा के फेंको, जो घाटे में लाया इनको रखने की जरूरत है क्या, हैं ले आए दूसरे लोगों को, लोगों को कमी है क्या, परिवर्तन लाए, कौन 15% काय का 15%, 97% की बात करो समझे, बोल 97, हाँ कौन, हम कौन से 3% है भाई, हमारा परसेंट देख लिया तो हिल जाएगा समझे, हम 97% है भारत में, 3% लोगों की बात करो, ब्राह्मण ब्राह्मण को, ब्राह्मण को, अरे कोई भी हो 3% लोग है, पाखंडी है, ढोंगी है, ब्राह्मण को, अरे कौन ब्राह्मण है भाई, काय का श्राप दे दे है, अरे भाई वो शराब देगा तुम्हें, शराब दे दे, तुम शराब पी के इंटरव्यू कर लो, मेरा क्या दिक्कत है, नरक में जाओगे नरक में, अरे मैं नरक में नहीं भाई, नरक फरक से किसी ने डरता, नरक फरक सभी आप गुलामी करते हैं मेरे आगे, मैं बुला लो कौन सा देवी देवता, क्या कर लेगा मेरा उखाड़ ले, अच्छा ये बता, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, संविधान को बने हुए 70 साल हो गए हैं, मगर अभी तक आप लोग अपने बैनर तले जो है ना अपने हक की बात कर रहे हो, कौन से हक की बात कर रहे हैं भाई, हम तो सबके हक की बात कर रहे हैं, मंडल में मंडल के खिलाफ तो कमंडल आप ही लोग लाए थे, कौन कमंडल लाए, कमंडल वाले तो होंगे ना तिलक तंग मुंह वाले, जने उधारी उनकी बात करो, मेरे कहीं तिलक दिख रहा है, कांवड़ ढो रहे आप, अरे कौन कांवड़ ढो रहा है बता, कहां लिया, मंडल वाले सारे कांवड़, कहां कांवड़ यार दिखा तो सही मेरे पास, अरे एक तो अलग है आपके, अरे भाई तो मेरे जो किसकी बात, तो भाई उनको बताओ ना क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हम तो आंदोलन जो हमें दिख रहा है संविधान दिख रहा है संविधान के मार्ग में, आंदोलन जीवी हो क्यों, आंदोलन जीवी क्यों, पाखंड जीवियों के पीछे पड़ोगे तुम, आंदोलन हाँ तो तुम पाखंड जीवी हो, तलवे जीवी हो, तलवे चाटुकार हो गए तुम, हम तो आंदोलन के जीवी है, क्रांतिकारी तो आंदोलन जीवी होता है भाई, भगत सिंह क्रांतिकारी थे आंदोलन जीवी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे आंदोलन जीवी समझे, शहीद ऊधम सिंह थे आंदोलन जीवी, मेरी बात सुन लो, माँ सावित्री बाई फूले आंदोलन जीवी थी, है समझे नहीं, ये थे ज्योतिबा फूले आंदोलन जीवी,
ये सब आंदोलन, ये आंदोलन ना कर रहे होते तो आज ये शिक्षा के केंद्र खुले होते हैं? बताओ कहाँ शिक्षा के केंद्र, कौन सी आ गई सरस्वती? 120 दिन हो गए तुम्हारी बहन बेटी को बैठे हुए, क्या उखाड़ लिया तुमने? अरे तो भाई उखाड़ के हम क्या गोली मारेंगे? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना प्रदर्शन करने का, गोली थोड़ी मारी जाएगी किसी को। अगर न्याय हो, वो चार लड़के घुस गए संसद में, कलर बम फोड़ दिए, मीडिया कह रही है आग घुस गए यहाँ आतंकवादी। आतंकवादी तो भाई लगा दिया ना उन पर मुकदमा, तो उसमें क्या करेंगे हम? अगर ये बच्चे हैं कल यहाँ पढ़ रहे हैं, इनको कल कुछ नहीं नौकरी मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? अगर प्रोटेस्ट करेंगे, इनके प्रोटेस्ट ज्ञापन है न्यायालय से पहले मीडिया ने बता दिया वो आतंकवादी है। कौन आतंकवादी है? तो चारों बच्चे बेचारे। हाँ तो मीडिया वालों से पूछो ना, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत, अभी 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ दिल्ली में, हाँ। तो किसने मीडिया वाले, तुमने दिखाया किसी को? दिखाया किस मैन मीडिया? मकान मालिक 50 साल का, गुंजन नाम की लड़की थी, इसका रेप कर दिया है उसने, संजय राणा नाम के आदमी ने है, उस वैसी दरिंदे ने, बताओ कितने मीडियो ने दिखाया है, और उसको पानी प्लांट में फेंक दिया। आपको पता है हैदरपुर प्लांट में वो जहाँ रिफाइंड होता पानी, वहाँ निकली उसकी लाश। संजय राणा नहीं है यार, समझ गए वो मकान मालिक। अबे कोई भी हो यार, कोई भी हो, आतंकवादी हो, बलात्कारी हो यार, किसी भी कौम का हो बलात्कारी हो, 9 साल की बच्ची, 9 साल की, और भाई कोई भी हो, किसी कौम का हो, अगर बलात्कारी है तो फांसी पे चढ़ाओ तुरंत। अच्छा आप ऋतु को यहाँ समर्थन करना है? बिल्कुल समर्थन कर, 120 दिन हो गए, अगर आगे ना हुआ मामला, क्या ऋतु के सम्मान में यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे इसमें? आप क्या करेंगे? आंदोलन तो आंदोलन के तरीके से चलेगा ना, है कोई बम थोड़ी फोड़ेंगे भाई। आंदोलन यहाँ नहीं, आगे करा जाएगा, संसद तक करा जाएगा, दूसरे जगह किया जाएगा, समझे? नहीं सब जगह किया जाएगा, कहीं छोड़ा थोड़ी जाएगा। आंदोलन की एक समय सीमा होती है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। रणनीति क्या होगी जब समय सीमा खत्म? 120 दिन हो गए भाई। भाई देखो नौकरी फोकरी की तो जरूरत है नहीं, अब नौकरी तो खुद ही देते फिर रहे, बात है इंसाफ की। आप एक बताइए कोई प्रिंसिपल की क्या हो, मेरे बात सुन लो, प्रिंसिपल की औकात तोड़िएगा आप, किसी को निकाल दोगे प्रोफेसर को? है प्रिंसिपल ने कोई इसका विश्वविद्यालय का कोई स्थापना थोड़ी करके गया, उसके खानदान वाले जो निकालती फिरेगी जिस मर्जी को, आप मुझे बताओ, समझे नहीं? ये किसका अधिकार है? हैं वाइस चांसलर वगैरह या जो भी है उनका, या शिक्षा मंत्री का कोई देगा तभी तो पता आएगी, या कोई भी आज यहाँ जी, ये कोई बच्चे की हाजिरी थोड़ी है जो नाम काट दिया तुमने, है वो तो खुद बच्चों को पढ़ा रही है। फौजी हो, गाल बजाई कर रहे हो, अटैक कर दो, अटैक कर दो। ओ भाई फौजी गोली भी चलाता है, ये ध्यान रखियो भाई। हाँ ना मान रही वो तो गोली, ऐसे थोड़ी गोली मार जाएगी भाई। सबका अधिकार है, विशेषाधिकार है सबका, कानून देता, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग हम समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें विरोध करना है वो विरोध करें, जिन्हें समर्थन करना है वो समर्थन में आए, हैं ये हमारा लोकतंत्र है, ये खूबसूरती है, इतना बड़ा भव्य हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है भारत का, समझे नहीं? जिसको अभी अमित शाह ने भी कहा कि भारतीय संविधान है, मोदी जी भी कह रहे हैं, सब संविधान को लेकर चल रहे हैं, और संविधान पर काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसी बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? इसके लिए सही तरीके से जो लोग संसद भवन में सांसद बैठे हैं, विधानसभाओं में विधायक आते हैं, कम से कम ऐसी बहन बेटियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। राम मंदिर बनेगा, घंटा बजाओ जाके। काय का भाई, मैं राम मंदिर बनेगा, घंटा बजाओ जाके। मैं को बजाऊं घंटा? तुम घंटा क्यों बजवा रहे हो भाई? जिसे घंटा बजाना हो घंटा बजाए, हमने तो पाठशाला का घंटा बजाना सीखा। हाँ यहाँ घंटा बजेगा, यहाँ घंटा बजाएंगे तो दुनिया का घंटा बजाएंगे, तब जाके विश्वगुरु बनेगा ना भारत, है या वैसे घंटा बजाने से बन जाएगा विश्वगुरु? भाई घंटा बजाएगा, मंदिर के बाहर जाएगा तब बनेगा विश्वगुरु। कहाँ पे? ओ हाँ तो भाई तुम भी वहीं लग जाओ, ये जो भी ले जा रहे हो ना, ये तम्बू जम्बू से उठा रखे हैं, इसको वहीं टूटने फूटने को वहीं ले जाओ। हाँ मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। कौन मोदी जी आ रहे दोबारा? हाँ तुम्हारे जैसे लोग ना, यही तुम्हारे जैसे लोग ये कहते हैं आएगा तो मोदी। शादी होगी भाई तेरी? बच्चे हैं। अच्छा अच्छा ये नहीं कहा उनने कि भाई मोदी आएगा? हैं बच्चे करें मोदी जाएगा, मोदी आएगा ये नहीं कहा होगा? हाँ उस दिन तो भाई मार ही देता रात को, जिस दिन स्वागत वाले दिन कहता भाई तू क्यों आ गया, आएगा तो मोदी। हैं तो तुम लोगों की मानसिकता ये लोकतंत्र है भाई। अच्छे अच्छे चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, उन्होंने भी जांच यहाँ इमरजेंसी लगाई थी, वो भी गई, अच्छे अच्छे देखिए ना ना भाई, संगठित हो रहे हैं भाई, लड़ तो रहे हैं, EBM का विरोध देखिए भाई, तो और क्या गोली थोड़ी मारी जाएगी लोकतंत्र में किसी को? हैं भाई सबके अधिकार की बात है, हर आदमी को प्रोटेस्ट करने के अधिकार है सबका, किसी का भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, अगर किसी को शोषण हो रहा है वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, ये अधिकार है सबका। अब सरकार नहीं सुन रही है, ये उसकी सोच है, किस मानसिकता को लेके बैठी है। कुल मिलाकर घूम फिर कर बात, चर्चा एक ही है
कि डॉक्टर रितु को कैसे हम न्याय दिला पाएं। अब देखिए एक नई कड़ी जुड़ गई है, फौजियों का पूरा जत्था है, इन फौजियों ने टैंक संसद भवन की तरफ मोड़ दिए थे पिछले साल, और लगातार किसान आंदोलन में ये लोग लगे रहे थे, और अब ये फौजी। चलिए एक शेर सुना देता हूँ, हैं सुन लीजिए। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे। हम डॉक्टर रितु के समर्थन में, बहनें हमारी इसके फुल समर्थन में, जहाँ इसको जरूरत होगी वहाँ खड़े होंगे। जैसा भी आंदोलन करना पड़ेगा, वो हमारे सभी लोग जैसे भी बात रखेंगे अपने किस तरीके से इस आंदोलन को ले जाना है, क्योंकि हर रोज़ आंदोलन की प्रक्रिया या नीति बदलती रहती है, तो जैसा लगेगा वैसे हम लोग अपनी बदलेंगे प्रक्रिया और इसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे।